आरटी सीजन 2 में आपके साथ फिर बात करने के लिए। जब एक क्रिएटिविटी हमारे मन मस्तिष्क में कौंधने लगती है, जब दिलो दिमाग में एक नई सोच आकार लेने लगती है, जब रंग बिखर करके एक नई आकृति बनने लगते हैं और मन में कुछ कर गुजरने की, अलग कर गुजरने की जिद जब बन जाती है, तब नई रचनाएं, नई सोच जन्म लेती है। आज बात करेंगे ऐसी ही नई सोच और नई रचनाओं को बनाने वाले एक भारतीय महान कलाकार की, जिनका जन्म 11 अप्रैल 1887 में बेईतर में हुआ था, जो पश्चिम बंगाल में है। बात आज जामिनी राय की। जी, जामिनी राय का जन्म बेईतर में, पश्चिम बंगाल में जहां हुआ था, वो एक परिवार था जो आर्ट के प्रति, कला के प्रति डेडिकेट था। परिवार से सपोर्ट था, परिवार संपन्न था, तो जामिनी को भविष्य में अपना कला में देखने में कोई आपत्ति नहीं लगी और उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में आर्ट इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया। गवर्नमेंट कॉलेज था, वहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की और 1908 में फाइन आर्ट में डिप्लोमा किया। अवनींद्रनाथ और रविंद्रनाथ के चेले रहे जामिनी राय, जिन्होंने आरंभिक शिक्षा में वही यूरोपियन कला का टच था, टेम्परा टेक्निक्स थी, वाटर कलर में उन्होंने काम किया और अपनी शिक्षा को पूरा किया। शिक्षा के दौरान ही उन्होंने जो एक परिवर्तन आया, जो एक सोच में परिवर्तन आया, वो ए बी हैवल और रविंद्रनाथ का एक लेक्चर सुनने के बाद में उन्होंने अपनी सोच ही बदल ली। वैसे 1920 तक वह कमीशन पोर्ट्रेट बनाने लग गए थे, लेकिन उनका दिल कह रहा था कि कुछ अलग किया जाए। और जब लेक्चर उन्होंने ये सुना कि कला जो है वो अपनी सोच से होनी चाहिए, बस इसी लेक्चर ने उनकी सोच बदल दी और 1921 से लेकर के उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया। जैसा मैंने आपको कहा कि उनका जन्म एक ग्रामीण परिवेश में हुआ था, तो वहाँ की जो जीवन शैली थी वो उनके मन मस्तिष्क पर अंकित थी। वे चाहते थे कि आसपास की जीवन शैली को सहज तरीके से बताया जाए और उनके ब्रश ने वो स्ट्रोक लेना शुरू किया। उन्होंने संथाल जाति के और डांस फॉर्म के जो पेंटिंग्स बनाए, वो बेहतरीन नई सोच के पेंटिंग थे उस दौर में। बिकॉज उस वक्त वहाँ पे जो काम होता था, वो काम होता था हमारा पोर्ट्रेट में जाता होता था, लैंडस्केप में जाता होता था, वॉश टेक्निक्स डेवलप हुए हुए थे। उसके बीच में उन्होंने फ्लैटन इमेजेस को ला करके रखा, बादाम जैसी आँखों वाली महिलाएं, जिसमें उनकी फेमस पेंटिंग्स में थी टू कैट्स विथ अ लार्ज प्रॉन, थ्री वुमन, पुजारन, और एक स्टैम्प भी उनके इस पे जारी हुआ था। ऐसी जो पेंटिंग्स उन्होंने बनाई थी वो सटीक थी, आर्ट की क्वालिटी थी, बोल्ड स्ट्रोक्स थे, ब्लंट फ्लैटन इमेजेस थी, बादाम जैसी आँखें थी और छोटे होंठ थे, लेकिन वे चित्र जो हैं बहुत कुछ कहते थे। 1938 में उन्होंने अपना पहला आर्ट शो किया और 1940 में उन्होंने आर्ट को एक नई ऊंचाई मिली। आज भी उनके आर्ट को हम लंदन, फ्लोरिडा और दिल्ली के म्यूजियम्स में देख सकते हैं। जामिनी रॉय के बारे में एक और ख़ास बात कही जाती है, उन्हें आर्ट मशीन कहा जाता है। जी जनाब, उन्होंने लगभग 20,000 पेंटिंग्स बनाए थे। अब उनके जीवन काल और कार्यकाल से इसका हिसाब लगाएंगे तो लगभग 10 पेंटिंग रोज, लेकिन उन्होंने उस पेंटिंग के साथ में कोई समझौता नहीं किया था। उन्होंने बस अपनी सोच को कागज़ पर उकेर दिया था। वे ज़्यादा करके वाटर कलर में ही काम करते थे। जामिनी राय की पेंटिंग्स में उन्हें 1954 में पद्म भूषण का अवार्ड मिला। अवनींद्रनाथ और रविंद्रनाथ के सपोर्ट से उस वक्त भारत में कला अलग तरह से निखर रही थी। मॉडर्न आर्ट का दौर था, यूरोपियन सीख थी, लेकिन सोच भारतीय थी और इसी भारतीयता को रंगना चाहते थे जामिनी। तभी उन्होंने एक मिडिल क्लास को पोर्ट्रेट करते हुए, उसके ऊपर फोकस करते हुए पेंटिंग्स बनाई। वे चाहते थे कि कला जो है वो हर घर में समझी जाए, हर तबके में समझी जाए। वे कला को किसी एक क्षेत्र में नहीं रखना चाहते थे। तभी तो उनकी पेंटिंग्स जो हैं वो कलकत्ता के कई घरों में शायद मिलती है, कई लोगों के पास में उनके कलेक्शन हैं। 24 अप्रैल 1972 को जामिनी राय हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन उनकी ये सोच कि कला हर साथ में हो, हर घर में हो, हर समझ में हो, ऐसी ही सोच को लेकर के आज फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि कला हर जगह प्रसारित, प्रचारित हो।
मैं आज आपसे यहीं पर विदा लूंगी, लेकिन अगली बार फिर एक नए आर्टिस्ट के बारे में बात करेंगे, उनकी कला की बात करेंगे, सीखेंगे कला के नए कुछ अध्याय। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। टिल देन, गुड बाय।